to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं मुंबई के ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के ऊपर ब्रिज पर, और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को ग्रांट रोड का नाइट लाइफ वीडियो दिखाने वाले हैं कि यहां पर रात का क्या नज़ारा है, रात में किस तरह की भीड़ रहती है, और साथ में कुछ आपको कमाटीपुरा का भी वीडियो दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम रेलवे स्टेशन ब्रिज के ऊपर ही हैं, और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि आप ग्रांट रोड का नाइट लाइफ वीडियो दिखाइए कि नाइट लाइफ में वहाँ पर लोग किस तरह से मतलब काम करते हैं, किस तरह से उनका रहना होता है, सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, हम लोग अभी ऊपर ब्रिज पर ही हैं, और ये है ग्रांट रोड का रेलवे स्टेशन। अब हमें इधर चलना है, और यहीं से हम कमाटीपुरा की तरफ भी जाएंगे। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा ब्लॉग इसमें दिखाते हैं। तो गाइज, अभी हम लोग ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के ब्रिज के ऊपर हैं, और सामने देखिए प्लेटफॉर्म पे लोग खड़ी होके अपने ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं, और रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पर क्राउड काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन इस तरह लोग पूरी रात मुंबई में जगते हैं भाई, पूरी रात। ये लोकल ट्रेन लगभग 1:30 बजे तक रात में चलती है, फिर सुबह 4:15 बजे से चलना स्टार्ट हो जाती है। ये लोकल ट्रेन के लिए ग्रांट रोड का स्टेशन है, और चलिए अब हम लोग यहाँ से उतरते हैं। ये है रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप लोग इधर उतरोगे, आपको एक छोटा सा ब्रिज दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्रांट रोड पूर्व, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से हमें नीचे उतरना है, और ये है कुछ नीचे की दुकानें। देखिए इधर नीचे की दुकानें हैं जो ब्रिज के नीचे हैं, यहाँ पर कई सारी दुकानें आपको मिलेंगी। तो अभी हमें इसी रास्ते से उतर के आगे चलना है। ये अभी हम लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं, और यहाँ से जैसे ही नीचे जाएंगे हम, सबसे पहले ग्रांट रोड का रेलवे स्टेशन वाला पूरा मार्केट हमें देखने को मिलेगा। तो आइए आपको पूरा नाइट लाइफ वीडियो हम दिखाते हुए चलते हैं। और इधर देखिए बाजू में लोकल ट्रेन गुजर रही है, जो कि ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन गुजर रही है। ये देखो स्टेशन से उतरने के बाद इधर तुरंत इधर देखो, इधर आपको कई सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे बैग, वॉच, मोबाइल का, एयरफोन वगैरह, ट्राईपोड वगैरह इधर मिलेगा। और ये सारी दुकानें ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर का नज़ारा है, जहाँ पे आपको ढेर सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बैग वगैरह ले सकते हो, चश्मा वगैरह, बेल्ट वगैरह, मतलब खाने पीने की दुकान, ट्राईपोड की दुकान, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ऊपर ब्रिज है, वो ब्रिज भी सीधा उधर ही जाएगा। हम लोगों को इसी रास्ते से कमाटीपुरा के साइड चलना है, और आपको उधर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। इधर लड़कियों के भी सामान मिलेंगे, और ये है ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन, और हम लोग इसके बाहर अभी आ चुके हैं। हमारे साथ कुलदीप है, सूरज भाई हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। सूज वूज आपको देखने को मिलेगा भाई। तो फिलहाल ये है ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन का मार्केट, जस्ट उसके बाजू का। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी मिलती हैं। अभी हम लोग फूल जी बुआ नागरिक गली के सामने ही खड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के बाहर का पूरा मार्केट का नज़ारा है। आप लोग दोनों साइड देख रहे होंगे, रोड के दोनों साइड कितनी ज़्यादा यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। 20 से टैक्सी भी गुजर रही है। अगर आप लोग मुंबई ग्रांट रोड आते हैं तो आपको कहीं जाना है तो आपको यहाँ पर टैक्सी भी मिल जाएगी, और ऑटो रिक्शा भी मिल जाएगा बाहर। और यहाँ पर दोनों साइड देख सकते हैं खाने पीने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, बैग की दुकान है, मेडिकल स्टोर हैं। और कपड़े की दुकान यहाँ पर ना स्टेशन के बाहर जब भी निकलोगे, सबसे ज़्यादा आपको कपड़े की दुकान, बैग की दुकान, मोबाइल की दुकान, ट्राईपोड, हेडफोन, एयरफोन, यही सब सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। मैं दोनों साइड दिखा रहा हूँ, तो दोनों साइड देखिए लेडीज़ और जेंट्स के कपड़े की दुकान सबसे ज़्यादा है। इधर छोटे बच्चे के कपड़े की दुकान है, क्योंकि मुंबई में लोग ना ज़्यादातर भाई साहब कपड़े के ज़्यादा शौकीन हैं। और ये कपड़े ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, आपको थोड़ा सा उसमें दाम में बात करने आना चाहिए, बार्गेनिंग करने आना चाहिए कि आप कितने में उसको ले सकते हो। तो स्टेशन पे ये चीज़ें होती रहती हैं। तो स्टेशन हमारे पीछे ही है, और हम लोग यहाँ पर कमाटीपुरा के साइड अब बढ़ रहे हैं, और आगे कुलदीप भाई, सूरज भाई, सुधीर भाई, सभी लोग चल रहे हैं, और इनके पीछे हम भी हैं। तो देखिए इधर लोग ठेले पे लगाए हुए हैं, ठेले पे टी शर्ट 150, 200, 250 इस तरह से मिलती है। इधर स्लीपर लगी हुई है ठेले पर, और हमारे बगल से ये मुंबई की टैक्सी गुजर रही है, जिसे आप लोग फिल्मों वगैरह में देखते हैं। और यहाँ देखो भाई स्लीपर लगा हुआ है, लेडीज स्लीपर है, इधर शर्ट है, और इधर देखो काफ़ी बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं भाई, कपड़े की,
खाने पीने की सब दुकान यहाँ पर आपको मिलेगी। आपको बता दें मुंबई के हर एक स्टेशन के बाहर आपको इसी तरह का मार्केट देखने को मिलेगा। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, छोटा स्टेशन हो या बड़ा हो, आपको उसके बाहर ना मार्केट जरूर देखने को मिलेगा, और काफ़ी बड़ा मार्केट है ये, छोटा मार्केट नहीं है। इधर कुछ लोग सामान भी खरीद रहे हैं। तो हम यहाँ से आगे आ चुके हैं जहाँ पर वो ब्रिज आके मिलता है, और ये नीचे वाला रोड फाइनली हम लोग वहाँ पर आके खड़े हो गए हैं। अब हमें यहाँ से सीधा ना आगे चलना है। गाइज अभी रात के ना 10:30 हो रहे हैं, और आपको मैं पूरा अच्छे से दिखा रहा हूँ कि मुंबई में 10:30 मतलब बज रहे हैं, और इस टाइम भी लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, और किस तरह से लोगों का आवागमन 10:30 चालू है, ये आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे। आपको बता दें कि मुंबई में ना लोग दिनों रात काम करते हैं, और इसी तरह की क्राउड आपको दिन और रात दोनों टाइम में देखने को मिलेगी। तो गाइस फाइनली हम लोग ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। मैंने आपको वहाँ का पूरा मार्केट दिखाया है कि किस तरह से रेलवे स्टेशन से बाजू में ही मार्केट लगता है। वो मुंबई के किसी भी रेलवे स्टेशन का नज़ारा हो, उसके बाहर ना मार्केट जरूर लगता है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे ग्रैंड रोड की तरफ से कमाटीपुरा की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको यहाँ का पूरा नाइट लाइफ एरिया दिखा रहे हैं कि नाइट लाइफ यहाँ का कैसा होता है। लोग नाइट में भी भाई भाग दौड़ करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लोग नाइट में भी जॉब करते हैं, डे में भी जॉब करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और ये जो बस देख रहे हैं, ये बस बहुत ही सस्ती बस है भाई। 6 रुपये में आप लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं दूर दूर तक। 10 रुपये में आप लोग 30-30 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं। और आप लोग लोकल ट्रेन का तो जानते ही हैं, लोकल ट्रेन काफ़ी सस्ती है, और सबसे ज़्यादा मुंबई में लोग उसी से सफ़र करते हैं। मोनो रेल चलती है, और यहाँ पर मेट्रो भी चलती है, लेकिन काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा लोकल ट्रेन ही मुंबई में चलती है। तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से काफ़ी आगे आ चुके हैं, और आपको सामने का अगर नज़ारा दिखाऊँ तो देखिए बस में लोग बैठ रहे हैं, बस स्टैंड पे खड़े हुए थे, और इस बस में लोग सफ़र करके भाई साहब अपना जीवन यापन करते हैं, और जैसे कि लोकल ट्रेनों में भी। और ये देखिए सबसे महंगा फल, और ये है मुंबई की टैक्सी। टैक्सी भाई बहुत महंगी है, मीटर से चलती है। ऑटो रिक्शा भी मीटर से चलता है, लेकिन टैक्सी काफ़ी महंगी है। और यह है ग्रांट रोड की सबसे ऊंची बिल्डिंग, और यह है ग्रांट रोड का नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर साइड में देखिए पूरी टैक्सियाँ लगी हुई हैं, और इधर स्टेशन है ग्रांट रोड का। सूरज भाई पीछे पीछे आ रहा है, देखो। दोस्तों आप लोगों को इस समय यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन एक मुंबई की असलियत बताने वाले हैं कि जहाँ पे मुकेश अंबानी जी का और शाहरुख खान का भी घर है ना, वहाँ पर भी लोग चौल में रहते हैं। जस्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पीछे बीच में चौल होते हैं, जैसे इस गली में चौल है और आगे वाली गली में चौल है। जैसे लोग टीने डाल के रहते हैं ना, कटरैन डाल के गांव में लोग कहते हैं। तो ये आपको बड़ी बिल्डिंगें बस दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इन बिल्डिंगों के बीच बीच में ऐसा मतलब चौल लगे रहते हैं। और ये है ग्रांट रोड का मुंबई का सबसे पुराना सुपर प्लाजा सिनेमा हॉल, जहाँ पे मूवी वगैरह लगती है, लोग देखते हैं पिक्चर यहाँ पर। तो ये मैं नाइट लाइफ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए नाइट में भाई साहब, और यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। दोस्तों ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये मुंबई ग्रांट रोड की सबसे पुरानी बिल्डिंग है, लगभग 100 साल पुरानी। और यहाँ मेन चौराहे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, रात में कितनी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, आम पब्लिक किस तरह से अपना रहती है, अपना काम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मुंबई में लोगों की नाइट लाइफ कैसी चलती है। ये मैं आपको रात के 11 बजे का नज़ारा दिखा रहा हूँ। दोस्तों मुंबई वासियों की एक रियलिटी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना लोग डे में भी जॉब करते हैं, नाइट में भी जॉब करते हैं, लेकिन भाई साहब सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना बड़ा पाव, समोसा पाव, कटलेट और बटाटा भाजी, यही सब ज़्यादा बिकते हैं, सही है ना? हाँ भाई, ये सब बहुत ज़्यादा बिकते हैं। क्यों खाता हूँ बहुत ज़्यादा? क्यों? क्योंकि पता है उससे पेट भी भर जाता है, और लोग जैसे घरों से निकलते हैं तो मॉर्निंग में खाना नहीं बना रहता है, सही है ना सूरज भाई? तो इसलिए वो लोग खाते हैं, और उन लोगों को काफ़ी पसंद आता है। मतलब इस तरह की चाइनीज यहाँ पे फूड ना बहुत सारे हैं, और ये महाराष्ट्रियन फूड है, जैसे कटलेट हो गया, बटाटा भाजी हो गई, ओनियन भाजी हो गई, और डोसा हो गया, इडली डोसा हो गया, मेंदू वड़ा हो गया, और बड़ा पाव, समोसा पाव, ये सब चीज़ मुंबई की
फेमस चीजें हैं जो सबसे ज्यादा खाई जाती हैं। बराबर सबसे ज्यादा। और यही जो है ना, इधर देखो एक सिनेमा हॉल है, ये भी काफी पुराना सिनेमा हॉल है यहाँ का, ग्रांड रोड का। और यहाँ पे एक मस्जिद है आगे, वो मस्जिद बहुत ही पुरानी है भाई, जामिया करके उसका नाम है। और यहाँ पर देख सकते हैं नाइट में लोग किस तरह से यहाँ पर आए हुए हैं। और इधर भी कुछ जलेबी वगैरह बन रही है, सभी लोग जलेबी खा के आनंद ले रहे हैं, मीठा खा रहे हैं। ये देखो जलेबी खा रहे हैं, जलेबी नहीं है चिकन है भाई, चिकन तलाई हो रही है उधर, चिकन लोग खा रहे हैं, मुझे लगा जलेबी बन रही है। इधर देखो केले का ठेला, इधर भी लोग फल वल खाते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। और हम लोग भी काफ़ी आगे आ चुके हैं, और इधर एक मस्जिद है जामिया। गाइस अभी हम लोग मुंबई के कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया में एंट्री कर चुके हैं। ये जो गली है ना, ये पूरा रेड लाइट एरिया वाली गली है। दोस्तों हम लोग आपको यहाँ का पूरा टूर करवा रहे हैं, लेकिन उस गली का वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी नहीं होती है और पुलिस वगैरह भी रहती है, तो हम लोग आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा रहे हैं। गाइस अभी हम लोग घूमते घूमते कमाठीपुरा के रास्ते होकर ना मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने आ चुके हैं। आपको यहाँ पर दो बिल्डिंगें दिखाई दे रही होंगी, ये दोनों बिल्डिंगें मुकेश अंबानी जी के घर के बाजू में ही हैं, और ये वाली बिल्डिंग मुंबई सेंट्रल की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अभी हम नज़दीक चलेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए साइड साइड में हर जगह टैक्सी लगी हुई है भाई, और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं साइड में। और यहाँ पर इस टाइम भी देख सकते हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा क्राउड है, हर लोग अपना सामान ले जाने में ले आने में व्यस्त हैं। और यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही होंगी, इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा चौल भी मौजूद हैं, लोग चौल में भी रहते हैं। ये है भाई साहब मुंबई की नाइट लाइफ। देखिए इस तरह लोग रोडों पे पड़े रहते हैं, जो लोग ज़्यादा पी लेते हैं भाई वो लोग इसी तरह रोडों पे पड़े रहते हैं। ये सब स्विगी जोमेटो वाले भैया लोग हैं, यहाँ पर मैकडोनल्ड्स है उसी के बाहर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर रात भर आप ऑर्डर वगैरह कर सकते हो, रात भर आपको खाना ले जाएंगे लोग, ले आएंगे लोग। आप लोग इस रास्ते भी अंदर जाके चौल में जा सकते हो, जहाँ पर चौल में लोग अंदर रहते हैं। ये गार्ड साहब हैं, अपना काम कर रहे हैं भाई। और ये है मुंबई सेंट्रल का नज़ारा, मुंबई सेंट्रल की सबसे ऊंची बिल्डिंग सामने ही है और रेलवे स्टेशन भी सामने ही है। ये है मुंबई सेंट्रल बस स्टैंड, वहाँ पर लिखा है बेस्ट मुंबई सेंट्रल आगार। यहाँ पर मुंबई सेंट्रल की बसें मिलती हैं, आपको जहाँ पे जाना है आप लोग यहाँ से डायरेक्ट बस पकड़ के जा सकते हैं। अभी मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, तो देखिए अंदर बस खड़ी है। तो अभी हम लोग मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुँचने वाले हैं, और हमारे आगे ही मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो आपको मुंबई में कहीं भी मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को तुरंत तुरंत ऑटो टैक्सी मिल जाएगा, बस मिल जाएगा, लोकल ट्रेन मिल जाएगा, एसी लोकल ट्रेन मिल जाएगा, मेट्रो मिल जाएगा, मोनोरेल मिल जाएगा, साथ में उबर ओला रैपिडो ये सब तो है ही। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक साइकिल भी रखी रहती है हर जगह। आप लोग एक आता है एप्लीकेशन एलू करके, उसको डाउनलोड करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे 150 से 200, और पूरा दिन उस साइकिल को लेके आप लोग घूम सकते हैं। उसमें पैंडल नहीं आपको मारना पड़ेगा, वो ना ऑटोमेटिक चलती है, एक्सलेटर उसमें लगा रहता है भाई। तो हर जगह ये साइकिल मौजूद है, तो आप लोग पूरे मुंबई उससे घूम सकते हैं। बस वो एक दिन पूरा चलेगी, आप जितना घूमना है घूमिए, 200 रुपये, 150 से 200 रुपये लगेगा पूरा, दो लोग उससे बैठ सकते हैं। वो साइकिल काफ़ी अच्छी होती है, और ज़्यादातर लोग मुंबई में उसी साइकिल से घूमते हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का नज़ारा भाई साहब माशाल्लाह क्या सजा के रखते हैं लोग अपने अपने बिल्डिंगों को, अपने अपने घरों को। तो मुंबई में लोग रात में भी जागते हैं, और रात में क्यों जागते हैं, क्योंकि रात में वो लोग जॉब करते हैं। और यहाँ पर लोग मरीन ड्राइव हो गया, जुहू चौपाटी हो गया, रात भर घूमते हैं। फिलहाल जुहू चौपाटी तो 12-1 बजे के बाद थोड़ा बंद होने लगता है, लेकिन मरीन ड्राइव पर भाई आप 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे आओगे ना, फिर भी वहाँ लोग घूमते हुए मिलेंगे। ये ऐसा है मरीन ड्राइव का नज़ारा। और मरीन ड्राइव काफ़ी खूबसूरत जगह ही है, मुंबई की सबसे फेमस जगह है। और साथ में मैं आपको बता दूं तो वहाँ पर एक फ्लैट का प्राइस ना 15 से 20 करोड़ 50 करोड़ तक रुपए का है भाई, बहुत महंगा वो इलाका है, बहुत महंगा, जहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम है। और अभी हमारे सामने ही मुंबई सेंट्रल की सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखने लगी है, आपको मैं दिखा दूँ वो टावर। अभी नज़दीक हम लोग पहुँच चुके हैं, रेलवे स्टेशन आ गई है, और ये है वो बिल्डिंग, आपको शायद इस लाइट से दिखाई नहीं दे रहा है, अभी मैं इधर से दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा आगे आ गया ना मैं, ये देखो ये सबसे ऊंची बिल्डिंग, ये है टावर। अभी इसके नज़दीक ही हम लोग चलने वाले हैं, आइए नज़दीक चल के अच्छे से दिखाते हैं। देखिए बड़ा पाव लोग खा रहे हैं किस तरह भाई, जॉब पर से आते हैं और इस तरह रास्ते में लोग बड़ा पाव और कटलेट वगैरह खाते हैं,
और फिर घर पे जाते हैं। ज़्यादातर लोग यही सब खाते हैं इधर, बड़ा पाव और समोसा पाव भाई, यही सब चलता है इधर। तो गाइज हम लोग मुंबई सेंट्रल के पास ही लस्सी की दुकान है, यहाँ पर भाई साहब लस्सी पीने लगे। हमारे साथ सूरज भाई हैं, पैसा बहुत है भाई। ये कुलदीप, सूरज भाई, मैं और ये भैया, चारों लोग बैठ के यहाँ पे पहले लस्सी पी रहे हैं और उसके बाद यहाँ पी के हम लोग सीधे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन निकलेंगे। इधर देखो टैक्सी वालों का जाम लगा हुआ है, तो चलिए पहले लस्सी पीते हैं फिर निकलते हैं। हाँ सूरज भाई। दोस्तों ये है मुंबई सेंट्रल की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, और अभी हम लोग मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के जस्ट बाजू में ही खड़े हैं। ये यहाँ का चौराहा है और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन आ गया है। तो आइए अब हम चलते हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि हमें उधर ही से निकलना है भाई, वहाँ से टिकट लेंगे फिर हम लोग निकलेंगे। गाइज फाइनली हम लोग मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने आ चुके हैं। ये है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और इसके सामने का व्यू आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भारत का तिरंगा झंडा और ये अशोक स्तंभ सामने प्यारा सा। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ, नाइट हो चुका है रात, और ये देखो ये है मुंबई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन और इसी के बाजू में ये मुंबई सेंट्रल की सबसे ऊंची बिल्डिंग। देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है इधर। अगर सूरज भाई भी अपना शूट कर रहे हैं भाई वीडियो, इधर से अगर आपको कहीं जाना है तो आराम से आपको पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन भी मिल जाएगी और आपको लोकल ट्रेन भी मिलेगी। इधर प्लेटफॉर्म वगैरह के बारे में सब कुछ लिखा है, प्रवासी आरक्षण केंद्र वगैरह। हम लोग यहीं से अंदर चलेंगे, हम लोगों को लोकल ट्रेन की तरफ चलना है तो ऊपर से टिकट लेना है फिर हम लोगों को एंट्री करनी है। तो आइए अब चलते हैं। गाइज ये है मुंबई का सेंट्रल रेलवे स्टेशन और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्राउड यहाँ पर। ये है बंदा बहुत स्ट्रगल करता है ये बंदा, ये देखो हम लोग लोकल ट्रेन में लटके हुए हैं, पूरा आगे का डिब्बा खाली हुआ पड़ा है, फिर भी लोकल ट्रेन में ये बंदा लटकाया हुआ है। टिकट लिए फिर भी खड़े चल रहे हैं, देख लो लोकल ट्रेन में खड़े होने की जगह ही नहीं मिलती पहली चीज़। तो चलिए अब निकलते हैं हम लोग मलाड के लिए भाई, ये है मुंबई की लोकल ट्रेन। तो गाइज फाइनली हम लोग मलाड रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, ट्रेन से उतर चुके हैं ना, अब हम लोग बाहर चलते हैं और बाजू में ही भाई साहब लोकल ट्रेन लगी हुई है। वो कहाँ के लिए ट्रेन है? ये चर्चगेट के लिए है, चर्चगेट के लिए है, चर्चगेट। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, यहाँ भी मार्केट लगा हुआ है, मार्केट है, पूरा मार्केट है, पूरा मार्केट है। तो बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, रात का नज़ारा है भाई। ये देखो सामने कितने ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हुए हैं, ये देखो इधर ही से सामने से भाई बाहर निकलेंगे। इधर से भी रास्ता है लेकिन सामने से मेन रास्ता है। दोस्तों ये है मलाड रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा, बाहर का मार्केट। ये है जनता फरसाड़ आड़ी स्वीट्स, मतलब ये मराठी में लिखा हुआ है। और इधर से आपको बाहर आते ही ऑटो मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग ऑटो लेके जा सकते हो। और ये देखो ये सामने ही मलाड रेलवे स्टेशन है और इसके बाहर का पूरा मार्केट। ये कुलदीप भाई ऑटो का पता कर रहा है कौन सी ऑटो जा रही है। तो गाइस हम लोग मलाड रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो में बैठ चुके हैं और अपने रूम के लिए निकल चुके हैं। आज हम कुलदीप भाई के रूम पे जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं मलाड रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो यहाँ का रात का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, 12 बज चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कितनी ज़्यादा सड़कों पर क्राउड है, लोगों का आना जाना लगा है। और यहाँ तक कि साइड में आपको काफ़ी सारी सब्जी के और फल के दुकानें भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसा ना करीब 12 एक बजे तक ये सभी दुकानें खुली रहती हैं और कहीं कहीं तो पूरी रात खुली रहती है। तो ये है मुंबई का नाइट लाइफ वीडियो। मैंने आपको इस वीडियो में मुंबई सेंट्रल, ग्रांड रोड और यहाँ तक कि मलाड का पूरा नज़ारा दिखाते हुए आ रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से लोग भाई साहब अपना स्ट्रगल करते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग मलाड रेलवे स्टेशन से ऑटो करके आ चुके हैं, अपने रूम की तरफ जा रहे हैं और कुलदीप भाई ने सामान ले लिया है, चिकन वगैरह। अब हम लोग चलते हैं रूम पे, बनाएंगे, खाएंगे, पियेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो का यहीं पेंट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको मुंबई के ग्रांड रोड, मुंबई सेंट्रल का नाइट लाइफ ये पूरा वीडियो दिखा दिया। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।